मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इस समय लड़की को अशुभ समझकर ठुकरा दिया जाता है। परंतु कामाख्या मंदिर के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल कामाख्या में अंबुबाची का मेला लगता है, जिसके दौरान यहाँ का पानी 3 दिन के लिए लाल पड़ जाता है। लोगों के अनुसार यह लाल पानी कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है, जिसके 3 दिन बाद ही वहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंच जाते हैं और मासिक धर्म से घिले हुए वस्त्रों को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए पहुंच जाते हैं। डरावने और रहस्यमय किलों या घरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का कोई मंदिर भी रहस्यमय हो सकता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही बेहद मायावी और रहस्यमय है। दरअसल ये मंदिर भारत में ही मौजूद है। इस मंदिर को लोग कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामागिरी या नीलाचल पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कई अलौकिक शक्तियां और राज दफन है। तांत्रिकों के लिए काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या सबसे महत्वपूर्ण देवी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कामाख्या मंदिर के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था, जिसके कारण बरसों से यह मंदिर सती की योनि का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है। सती देवी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सती ने भगवान शिव से क्रोधित होकर विनाश का नृत्य यानी तांडव किया था। साथ ही सती ने भगवान शिव को पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद भगवान महाविष्णु ने क्रोध में आकर सती देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। यह टुकड़े पृथ्वी के कई अलग अलग हिस्सों में जा गिरे। इन्हीं में से सती का योनि भाग सामग्री नामक जगह में जा गिरा। यही वह स्थान है जहां सती देवी भगवान शिव के साथ अक्सर आया करती थी। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। यहाँ जानिए कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़े ऐसे ही 5 रोचक तथ्य। मंदिर में नहीं है देवी की मूर्ति। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर में कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह के पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित है। यह पीठ माता के सभी पीठों में से महापीठ माना जाता है। नंबर 2, यहाँ माता हर साल होती है रजस्वला। इस पीठ के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर माँ का योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला होती है। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 3 दिनों के बाद मंदिर को बहुत ही उत्साह के साथ खोला जाता है। नंबर 3, प्रसाद के रूप में मिलता है गीला वस्त्र। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नंबर 4, लुप्त हो चुका है मूल मंदिर। कथा के अनुसार एक समय पर नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा दे तो देवी उससे विवाह कर लेगी। नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होते देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से ही जाना जाता है, और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामदेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, जिस बात से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। नंबर 5, 16वीं शताब्दी से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच विहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। यह बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने पर कामदेव का बनवाए हुए मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया।